लहजा, तुम कब आए? अभी आया। बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम यहाँ रह रही हो। घर कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारे यहाँ रहने से। सच फवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोगों के साथ। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ वापस आकर। मेरी प्यारी सी बहन इतने दिनों बाद घर पे आई है, तो फिर एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर प्लान करते हैं और कहीं बाहर घूमने चलते हैं। अभी तो तुम हमारे साथ हो, फिर तो तुम्हें वापस अपने घर चले जाना है। श्योर फवाद, तुम बनाओ प्लान, अभी मैं यहीं पर हूँ और मुझे भी तुम लोगों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। गुड, तो फिर मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर हम मिलकर प्लान करते हैं और एक अच्छा सा गेम खेलते हैं, ठीक है? मैं क्या गेम खेलूंगी फवाद, जिंदगी ने तो खुद मेरे साथ एक बहुत बड़ा गेम खेला है। अभी तुम सारी हकीकतों से बेखबर हो, इसलिए मुझे यहाँ देखकर खुश हो रहे हो। तुम्हें क्या पता फवाद कि अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। फरिया, तुम? मुझे आपसे बात करनी है। बोलो, क्या बात है? इस घर में बहुत बुरा होने वाला है। क्या मतलब? आपने ये प्रॉपर्टी मोनी और सारा के नाम करके अच्छा नहीं किया। अच्छा, तो ये बात है। और अगर मैं प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करवा देता तो क्या सब कुछ अच्छा हो जाता? तुम ये डिस्कस करने आई हो यहां पर? फरिया, कम से कम बंदे का मूड देख लिया करो। मैं थोड़ी देर यहां पर रिलैक्स करने आया था। आप मेरी बात तो सुने और जो कुछ मैं कह रही हूं उसको तवज्जो से सुने और समझने की कोशिश करें। अच्छा ठीक है, बोलो। आप मोनी पे नजर रखें क्योंकि मोनी और सारा आप लोगों को तबाह। स्टॉप इट फरिया, मैंने शादी तुमसे सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि तुम बाकी औरतों से बहुत अलग और मुख्तलिफ थी, मगर वक्त ने साबित कर दिया कि तुम रवायती और घटिया औरत। आप गलत समझ रहे हैं, मैं ये सब सौतनों के रवायती जज्बे के तहत नहीं कह रही। मैं इस घर का भला चाहती हूँ और बस। हाँ, तुम तो बस इस घर का भला ही चाहती हो फरिया, बाकी सब तो जड़े खोद रहे ना तुम्हारे आशा आने की, जबकि हकीकत यह है कि तुम दूसरों को यहां से भगाकर सिर्फ अपना राज चाहती हो। मैं आपको अपनी बात का यकीन नहीं दिला सकती क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं। हाँ, और तो कुछ हो भी नहीं सकता क्योंकि तुम आम औरतों की तरह अपने शोहर की दूसरी बीवी के खिलाफ साजिश करना ही जानती हो। हमाद, प्लीज मेरी बात तो सुने। तुम कोई सबूत देकर खुद को बेनकाब नहीं कर सकती फरिया। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम यहां से जा सकती हो। सारा, तुम बिजी तो नहीं हो? नहीं नहीं, आओ बैठो। सारा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है मोनी? फरिया को हमारे बारे में सब सच पता चल चुका है। क्या? तुम्हें कैसे पता चला? उसने हमारी सारी बातें सुन ली हैं। उसने हमारी कौन सी बातें सुन ली है मोनी? और तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी? कोई गलत फहमी नहीं हुई है, उसने मुझे खुद बताया कि उसने हमारी सारी बातें सुन ली हैं। वो ऐसे हमारी बातें कैसे सुन सकती है मोनी? और वैसे भी 3-4 दिन से हमने कोई बात नहीं की है, तो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। जो हमने लास्ट टाइम बात की थी उसी दिन उसने हमारी सारी बातें सुन ली थी। और तुम मुझे अब बता रही हो? कमाल करती हो मोनी। सारा, मैं इतने टाइम से तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ, मैं तो तुम्हें कल भी ढूंढ रही थी कि मौका ही नहीं मिला। ऐसे कैसे मौका नहीं मिला मोनी? तुम मुझे एक फोन कर देती और तुम्हें ये बात मुझे जरूर बतानी चाहिए। मैं तुम्हें कैसे फोन कर लेती? तुम हर वक्त तो फवाद के साथ होती हो।
मुझे लगा कहीं उसने सुन लिया तो हम और भी ज्यादा मुसीबत में फंस जाएंगे। खैर इसमें इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है, वो फरिया चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? इसलिए कि फरिया की इस घर में पोजीशन कौन सी स्ट्रांग है और यकीन भी कौन करेगा उस चोरनी की बातों पर। तुम फिक्र ना करो और चलो हम कहीं बाहर चलते हैं। लेट्स गो। नहीं मेरा बहुत मूड खराब हो रहा है। टेंशन मत लो मोनी और आ जाओ मेरे साथ। और जाओ चलो चलते हैं। मॉम और हमाद ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी, अब मैं मोनी और सारा की असलियत किसे बताऊं? क्या मैं आयजा को सब कुछ बता दूं? नहीं, आयजा बेचारी तो अभी खुद अपने दुखों में उलझी हुई है, फिर वो अभी किसी गिनती में भी नहीं है, फिर क्या करूं? क्या मैं फवाद से बात करूं? नहीं, सारा फवाद की बीवी है, मुझे फवाद से उसकी बीवी के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहिए। हम माद ने तो मोनी के खिलाफ एक लफ्ज तक नहीं सुना तो फिर फवाद सारा के खिलाफ क्यों सुनेगा? क्या पता फवाद भी इसे गलत रंग दे दे। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। महरीन, हाँ महरीन से मशवरा करती हूँ। उफ मेरे खुदाया, ले भाई पी चाय। देख सारे बेटा सीधी बात करूंगी मैं तो, अब मुझसे ये पकाने रींधने का काम जो है ना ये मुझसे नहीं होता। बूढ़ी हो गई हूँ, अरे थक चुकी हूँ, मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब ताकत नहीं रही बिगुल बजा के। तो मत किया करे ना माँ, आप ये काम मैं खुद कर लूंगा। लो ऐसे कैसे तुम कर लोगे भाई, मर तो नहीं गई, माँ हूँ तेरी, दुश्मन थोड़ी हूँ। इस चीज का भी मैंने इंतजाम कर लिया बिगुल बजा के। क्यों, क्या कोई मुलाजमा रख लिया? बस किसी को तो रख लिया है ना, रख ही लिया किसी को, और वो भी बगैर तनख्वाह के, सिर्फ कपड़ा और खाना देना पड़ेगा उसे बिगुल बजा के। बगैर तनख्वाह के ये कैसे होगा? तो बताती हूँ, ये तेरे बराबर में जरा एक लिफाफा रखा मैं उठा। मुझे क्या यूं यूं कर रहा है, मुझे क्या दिखा रहा है? खोल ना, खोल के देख इसमें क्या है। एक लड़की पसंद कर ले इसमें से, तेरी दूसरी शादी कर रही हूँ बेटा। अम्मा कम से कम आयशा के आने का तो इंतजार कर ले। ना बिल्कुल भी नहीं, उस चुड़ैल के आने का मैं बिल्कुल भी इंतजार नहीं करूंगी, बहुत हो गया उसका इंतजार। अब तो तुम्हारी दूसरी शादी करके छोड़ूंगी बिगुल बजा के। अम्मा आपको पता है इस दफा आयशा खाली हाथ नहीं आएगी, बेगम आगा के घर से जायदाद के कागजात लेकर ही आएगी। अब सच 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 कर। चल बेटा अगर देखना तेरे दिल में उसके लिए थोड़ा बहुत अगर रहम है तो कोई बात नहीं, एक मौका और उसको दे देते, तेरी मान लेती हूँ, लेकिन चंद दिन इंतजार करूंगी। अगर चंद दिनों में इस तरह ना हुआ ना तो फिर तो तेरी दूसरी शादी करवा के छोड़ूंगी बिगुल बजा के। जैसे आपकी मर्जी हो। अच्छा किया जो तुम यहाँ चली आई, ऐसी बातें फोन पर करना मुनासिब नहीं होता। हाँ मेरीन तुम ठीक कह रही हो, अगर फोन पर हमारी कोई बात सुन लेता तो बहुत बड़ा इशू हो जाता। इस सारा का तो मुझे पहले से ही अंदाजा था परिया, उसने हम पर जब चोरी का इल्जाम लगाया था तो, लेकिन मुझे मोनी का अंदाजा नहीं था कि वो भी ऐसी निकलेगी। मोनी पर तो मुझे भी हैरत है, वो तो मॉम की सगी भांजी है, अपना खून नफरत में इस हद तक कैसे जा सकता है? कैसा खून, कहाँ का खून, इन बड़े लोगों का कोई खून का रिश्ता नहीं होता, सब पैसे और मुफादात के रिश्ते होते हैं। तुम ठीक कहती हो, मुझे बहुत टेंशन हो रही, मैं उन लोगों को बर्बाद होते नहीं देख सकती और वहाँ कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। तुम बस खामोशी से उन पर नजर रखो और कोई पक्का सबूत हासिल करने की कोशिश करो फरिया। मैं अब यही करूँगी, ना अच्छा खासा सबूत मिला था वो मोनी ने जाया कर दिया। फरीहा इतनी आसानी से वो तुम्हारे हाथ कोई सबूत नहीं आने देंगी। मैं ये मोबाइल लेके आई, ये तुम आर्यन भाई को दे देना, वो इसे ठीक करवा देंगे, शायद इसमें
वो रिकॉर्डिंग डाटा ना रिकवरी से मिल जाए। अल्लाह करे कि तुम्हें मिल जाए फरिया, और फिर सबको तुम्हारी बात पे यकीन भी आ जाएगा। अच्छा मेहरीन, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही। ठीक है। अमाद जी। माँ मुझे ये बताओ कि मोनी कहाँ गई है? वो सारा के साथ शॉपिंग करने गई। ओ अच्छा, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी थी। अच्छा कहिए। मुझे आयशा के सिलसिले में बात करनी है, उसका क्या करना है? क्या करना है मॉम? बेस्ट पार्ट तो ये कि वो घर आ गई, एंड आई एम श्योर कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो तो सब ठीक है, लेकिन हम उसको इस तरह से तो छोड़ नहीं सकते ना, कुछ ना कुछ तो फैसला करना पड़ेगा उसके बारे में। सही कह रही है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि अगर नहीं किया तो उसकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तुम एक काम करो, लॉयर से बात करके डॉक्यूमेंट्स बनवा लो। ठीक है, इफ यू से सो, मैं कल ही लॉयर से बात करता हूँ। जितनी जल्दी हो सके पेपर्स बनवा लो, क्योंकि मैं इस मामले को और ज्यादा डिले करना नहीं चाहती हूँ। जब पेपर्स बन जाए तो मुझे बताना। तुम्हें तो शायद मेरी याद भी नहीं आती होगी सारे, क्योंकि तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। लेकिन मैंने तो तुमसे बहुत मोहब्बत की है। कोई मुझसे पूछे, मन चाहे शख्स का साथ खुद ही छोड़ देना कितना तकलीफ देह होता है। पता नहीं मॉम इतने सुकून से कैसे रहती है। मैं तो सारिम के बगैर पल पल अज़ियत में काट रही हूँ, और ये भी नहीं पता कि मुझे ये अज़ियत कब तक बर्दाश्त करनी है। आई थिंक फरीहा ने अभी तक हमारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। ये तुम कैसे कह सकती हो सारा? ऑब्वियस सी बात है मोनी, अगर वो घर में किसी को कुछ बताती तो हम लोग यूँ सरेआम आगा उसमें नहीं घूम रहे होते। कोई ना कोई हमसे कुछ पूछता तो सही। और इसे ऐसे कहते तुम ठीक रही हो, इस फरिया की बच्ची को ना सब पता चल जाता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये मेरी लाइफ में। आई थिंक मोनी, अब हमें घर में कोई बात नहीं करनी चाहिए, और बहुत मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि इस फरिया की बच्ची कहीं भी पहुँच जाती है। ये मैं यही सोच रही थी कि हम कहीं भी कोई बात करनी होगी तो बाहर आ जाएंगे, और इस बहाने हमारी आउटिंग भी हो जाएगी। हाँ ये तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी घर में ना फरिया हर वक्त हमारी जासूसी करती रहती है, कोई भी बात करना बहुत मुश्किल हो जाती है। बाय द वे, हम घर में कोई बात ही नहीं करेंगे और इस शर्लॉक होम्स की सारी जासूसी धरी की धरी रह जाएगी। पता है, मैं तो सोच सोच के इतनी खुश हो रही हूँ कि वो कितनी मायूस होगी। हाँ बाय द वे, मैं तो ये तस्वर करके ही बहुत मजे ले रही हूँ। मैं भी। और तुम जल्दी से आंटी को कहो कि वो अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करें, ताकि हम जल्द से जल्द लंदन वाला बिजनेस भी अपने नाम कर लें। हाँ पता है, इससे पहले कि फरिया अपने किसी भी मिशन में कामयाब हो, हमें अपना काम कर लेना चाहिए। तुम फिक्र नहीं करो, मैं आज ही मॉम से बात करूँगी। ओके, और बाकी के सारे काम तो हम यही निपटा लेंगे। वो हम कर लेंगे। चलो बस कुछ ऑर्डर करती हूँ मैं। लेट्स कॉल फॉर द मेन्यू। वेटर, नेकी अगर नेकी के साथ मिल जाए तो अच्छाई को तकवियत मिलती है, और बदी बदी के साथ मिल जाए तो बुराई को तकवियत देती है। इसके साथ भी यही हुआ था। एक बदी इसके खिलाफ दूसरी बदी से मिल गई थी, इसीलिए अभी तक मुसलसल शिकस्तों का सामना था। बदी अगर बदी से मिल जाए तो बुराई को तकवियत मिलती है।
अगर मैं मोनी और सारा को अलग कर दूं तो उनकी ताकत तो आधी रह जाएगी ना, और इसी दौरान मुझे कुछ करने का टाइम मिल जाएगा। लेकिन मैं उन दोनों को अलग कैसे करूं? हाँ, ये ठीक रहेगा। सारे, अब क्या हो गया? ये तू उसके सोग में कैसे मुंह लटकाए बैठा है? उसने तो तेरे बारे में सोचा तक नहीं, और तू तू उसके फराक में हलाक हुआ जा रहा है बिगुल बजा के। सोग नहीं अम्मा, बस वो वैसे सर में दर्द हो रहा था। ये बस रहने दे, माँ हूँ तेरी, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें। तेरे दिल के अंदर दुख है सब पता है मुझे भी, गल बजा के। दुख तो बस इस बात का अम्मा के हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लोग हमेशा मुझे ही छोड़ के क्यों चले जाते? अरे तो जा ना, उनके साथ जाके बात कर, अपना हक मांग उनसे, फिर पता चलेगा तेरा उनको। नहीं अम्मा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं आयजा को थोड़ा वक्त दूं, वो खुद फैसला ले, यही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, चाय लाती हूँ तेरे लिए।